उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। हालांकि इस सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है, क्योंकि राज्य गठन के बाद से अब तक हुए 5 विधानसभा चुनाव में 3 बार भारतीय जनता पार्टी और 2 बार कांग्रेस ने बाजी मारी है। इस सीट पर होने वाले किसी भी चुनाव के लिए प्रदेश के बाकी मुद्दों से ज्यादा स्थानीय केदारनाथ यात्रा का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है और पूरी केदार घाटी की आर्थिक की इस यात्रा पर टिकी हुई है। वहीं ये वजह भी है कि 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी यात्रा की व्यवस्था और अव्यवस्थाओं को जनता के बीच रख रहे हैं। आप जितने बार केदारनाथ आएंगे, हम तो चाहते हैं कि आप भगवान के दर्शन करने के लिए बारंबार केदारनाथ आएं, लेकिन केदारनाथ और केदारी दोनों करा रहे हैं। अभी मैं अपने जिन साथियों के साथ आ रहा हूं, वो घोड़े खच्चर वाले हैं, वो बता रहे हैं कि एक पैसा इस बार नहीं कमाया है। यही हाल हमारे दुकान वालों के हैं, यही होटल वालों के हैं। लोगों को परेशानी ये हो गई है कि वो अपना कर्जा जो लिया है, बैंक से कर्जा जो लिया है, उसको कैसे वापस करें। और सड़कों के हाल और जाम के हाल आप ये पीछे देख रहे हैं कि सड़कों के हाल और जाम के हाल क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे किसी भी निर्णय के कारण ये यात्रा खराब हुई, लेकिन इतना हमारा मानना है। और आप अगर सरकार ये दावा कर रही है कि नहीं यात्रा अच्छी चली है, तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को जब 20 करोड़ का नुकसान इस साल यात्रा में हो गया है, तो हमारे लोगों को कितने का नुकसान होगा, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। तो हम इस नुकसान के लिए बिल्कुल हम इस नुकसान के लिए सरकार को दोषी मानते हैं और सरकार को जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए कि उनके कारण यात्रा में हमारे लोगों को नुकसान हुआ, वो दिवालिया होने की कगार पर है। जिस तरह से कुछ सालों से हुआ है, बहुत पहले मतलब यात्रा बहुत सीमित आती थी, आज लाखों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं। जो लाखों की संख्या में आ रहे हैं तो उनको ये भी पता लग रहा है कि कालीशिला कहाँ है, उनको ये भी पता है कि मधमेश्वर कहाँ है, उनको ये भी पता है कि राकेश्वरी मंदिर कहाँ है। और इसके अलावा भी जो हमारे अन्य मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर भी हैं, उन जगह जो हमारे छोटे तीर्थ और पर्यटक स्थल है, उन जगह जाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। हमने उन लोगों के लिए अच्छी सुविधा हमारे द्वारा हो, हम लोग अच्छी मतलब जहाँ हम अच्छा देते हैं तो लोग वहाँ जाते हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर ये प्रयास होगा कि हमारा पूरा क्षेत्र, ये पूरी केदार घाटी तीर्थाटन के क्षेत्र में एक अलग पहचान रखे।